पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। अब यूं तो ये बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आज फिर से एक बार कहने का दिल कर रहा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से एक ऐसा क्रांतिकारी शख्स पैदा हो गया है जिसने आज पूरी की पूरी दिल्ली को नर्क बनाकर रखा हुआ है। और भाई दिल्ली वालों, कैसी लग रही है फ्री की रेवड़ियां? मजा आ रहा है ना? कोई कसर तो बाकी नहीं रह गई। भाई साहब, अपने पूज्य प्रिय केजरीवाल जी ने आज की डेट में दिल्ली को ऐसा झीलों का शहर बना दिया है ना कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। लोगों के घर गाड़ियां इस तरीके से पानी में डूबे पड़े हैं जिसका तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। ये जो अपने प्यारे केजरीवाल जी जब जेल के अंदर नहीं गए थे, जब इनकी सालों से दिल्ली के अंदर सरकार चल रही थी, तब आपको पता है इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ खास ज्यादा तो किया नहीं, बस आम दिल्ली वासियों को पूतिया ही बनाया था, जिसका उदाहरण आज की डेट में आम जनता बखूबी देख रही है। आज की डेट में जब दिल्ली के इतने ज्यादा खस्ते हाल हुए पड़े हैं, जनता का बुरा हाल हो चुका है, तो इनके और इनके जैसे छाती पीट कर हाय तौबा करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे तो भाई साहब पूरी उम्मीद है कि कहीं नजर आएंगे भी नहीं। चलो एक तरीके से बढ़िया ही है, जैसी करनी वैसी भरनी, अब भुगते ना जनता, हमें क्या है, लेते रहो मजे। और मेरी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये जो आज की डेट में अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो गई और दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई ना, ये तो कुछ भी नहीं है, असल मजा तो आपको आने वाले सालों में आएगा। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है।